नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 36 से छत्तीसगढ़ की आवाज में। तो आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा, जो पेशे से वकील हैं, बिलासपुर पहुंचे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर शर्मा ने बताया कि लोक समाज पार्टी फरवरी 2019 में रजिस्टर्ड हुई है। ये पार्टी पूर्वांचल बुंदेलखंड यूपी के साथ छत्तीसगढ़ के 10 जिले में, मध्य प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 11 जिले और राजस्थान के 5 जिलों में ये पार्टी पहुँच चुकी है। लोक समाज पार्टी का ढांचा स्तरीय स्तर पर खड़ा हो रहा है और आने वाले विधानसभा में चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, लोक समाज पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारेगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी बसंत कुमार के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। फरवरी 2019 में रजिस्टर्ड हुई है और हम लोग अब पूर्वांचल यूपी, बुंदेलखंड यूपी के साथ छत्तीसगढ़ में 10 जिले, मध्य प्रदेश में 12 जिले, महाराष्ट्र में 11 जिले और अपना राजस्थान में 5 जिलों में हम लोग पहुंच चुके हैं। लोक समाज पार्टी का ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, लोक समाज पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह से जनता का रुझान है, गांव में, खेत में, खलिहान में, कस्बों में जा रहे हैं, लोगों का लोक समाज पार्टी का व्यू बहुत पसंद आ रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर लोक समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है और विजन में है, वेबसाइट में, गूगल में डाल दिया गया है कि उसमें 1992 से लेकर के आप बारीकी से देखें, अध्ययन करें तो उसके पहले भारत सरकार के जो भी प्रधानमंत्री होते थे उनका बजट हर साल 1, 2, 3 कभी कभी 4 सरकारी कारखाने लगवाने का घोषणा होता था और वो 2-3 साल में पूरा हो जाता था। उसके हिसाब से हर साल 1,00,000, 1,25,00,000, 80,000 ऐसे बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी लग जाती थी। लेकिन 1992 में उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, ठेकेदारी के दौर में यह सरकारी कारखाना लगवाना बंद कर दिया गया है। लोक समाज पार्टी अपने विजन में रखी है सत्ता में पहुंचने पर, केंद्र हो या राज्य की सरकारें हो, पुनः हम सरकारी औद्योगिकरण चालू करेंगे। जो उद्योग बंद हैं, सिक हैं, उनको भी हम चालू करेंगे और जो पद खाली हैं उनको भी समय से भरने का, 6 महीना, साल भर जो भी चुनाव इसमें नोटिफिकेशन के माध्यम से होगा वो किया जाएगा, जिससे जो हमारे बेरोजगार युवा बैठे हैं उनको रोजगार अधिक से अधिक मिल सके। अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज 36 से छत्तीसगढ़ की आवाज़।